और सत्य घटना है। साहब जी ढोलकिया नाम है उनका, बहुत बड़े उद्योगपति है। वो अपने एम्प्लॉय को महाराज वो हर दिवाली पर गाड़िया इत्यादि सब भेंट करते हैं, बड़ा नाम है उनका। उनका इकलौता बेटा था, विदेश से पढ़ करके आया। देखो तब किसे कहते हैं बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। जब वो बच्चा MBA करके आया और जब लौट कर घर आया तो पिता ने कहा देखो डिग्री मुझे दो और तुम्हारा जो वोटर ID कार्ड है ये भी मुझे दो। तुम कौन हो, क्या हो, ये किसी को नहीं बताना है। क्या तुमने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं बताना है। ये सारी चीजें मुझे दो और मैं तुम्हारा टिकट करा रहा हूँ दक्षिण भारत में। जाओ 2 महीना पैसा कमा के लेकर आओ, बिना मेरा नाम बताए, बिना अपनी पहचान बताए, बिना डिग्री के। आपको विश्वास नहीं होगा, इकलौता बेटा था और उसको भेज दिया। 7,000 रुपए उसको दिए, जरूरत पड़े तो ही उपयोग करना, नहीं 7,000 वापस चाहिए। और 2 महीने में कितना कमा के लेकर आते हो ये चाहिए। बालक भी आज्ञाकारी था, महाराज गया दक्षिण भारत। गुजराती बालक गुजराती जानता है और पहुंच गया महाराज दक्षिण भारत, जहां हमारा तेलुगु तमिल चलती है ना, अपनी भाषा इंग्लिश में बात करनी नहीं है। पिता ने सारी चीजें बताई, अगर तुमने कुछ भी चीजों का उपयोग किया तो अच्छा नहीं। बालक भी आज्ञाकारी गया सबसे, मारे पहले तो बड़े बड़े होटल में ही गया, लेकिन किसी ने, क्योंकि डिग्री है नहीं, नाम बताना नहीं है, कुछ है नहीं आधार, किसी ने नहीं उसे जॉब दी, नौकरी नहीं दी। 2-3 दिन हो गए, अब तो भूख से पीड़ित था। 7,000 में से अपने पैसा खर्च करके पेट भरा, लेकिन उसे था कि पिता को 7,000 वापिस करने ये कहा है और पैसा कमा के देने। तो फिर सड़क किनारे ढाबों पे जाकर के वेटर की नौकरी मांगी कि मुझे नौकर बना लीजिए कि मैं लोगों को सर्व कर सकूं, परोस सकूं। लोगों ने वो भी नहीं दी। तब किसी एक ढाबे पर महाराज 4th दिन उसे बर्तन मांजने की नौकरी मिली। 8x8 के कमरे में 8-8 लोगों के साथ उसे सोना पड़ा, जो इतने ऐसो आराम में रहने वाला बालक। सुबह सुबह उठ करके 10 गालियां खा के, लोगों का सुन के, किस प्रकार से उसने महाराज वो 2 महीने व्यतीत किए, एकदम काला पड़ गया, क्योंकि नहाया भी नहीं कई दिनों से और काम में ही लोग लगाए रहते थे, उल्टा सीधा सुनाते। और इस तरह से 6,000 रुपए उसको प्राप्त हुए। 2 महीने बाद अपने पिता को फोन करता है, पिताजी मैंने 6,000 रुपए कमाए। पिता ने कहा उनको खर्च नहीं करना, जो 7,000 दी उसी से टिकट बनवा के आओ। टिकट बना करके वो आता है अहमदाबाद के स्टेशन पे, जब उतरता है ना तो पिता ढोल नगाड़े लेकर के और परिवार के साथ उसका वेलकम स्वागत करने के लिए खड़ा था। और जैसे ही उस बालक ने जनरल कोच से बाहर पैर रखा, कोई रिश्तेदार नहीं पहचान पाया, लेकिन पिता ने उस कालिक में छुपे हुए बेटे को पहचान लिया। दौड़कर उसकी वो दशा देख के पिता की आंखों में अश्रु आ गए, हृदय से लगा लिया। बेटा चरणों में पड़ गया, पिताजी ये 6,000 रुपए और ये 7,000 में से कुछ मेरे से खर्च हो गए थे। पिता ने कहा बेटा ये पैसों की बात नहीं है, इन पैसों को संभाल के रखना जो तुमने कमाए। तुम्हें पता चला पैसों की कीमत क्या है? तुम्हें पता चला कि व्यक्ति की पहचान यदि ना हो तो व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है? तुम्हें पता चला लोगों के साथ अब तुम्हें कैसा व्यवहार करना है, जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग हैं? तुम्हें पता है अब समय की कीमत क्या है? रो पड़ा, पिताजी मुझे सब पता है, अब पता चल गया, इससे बड़ी शिक्षा और कुछ नहीं है। पिता ने तुरंत अपनी ऑफिस की चाबी दी, कहा अब तुम्हारा ऑफिस है, संभालो। ये होता है तब, सजी सजाई थाली देंगे तो क्या होगा, वो समझ नहीं पाएंगे। देनी चाहिए, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें तप करके उन्हें खड़ा तो करें, इस लायक तो बनाए कि वो किसी पर निर्भर ना बने, इस लायक तो बना के जाएं कि अपने निर्णय वो खुद ले सके। लोगों के साथ जो आपने व्यवहार कमाया है, बच्चों से दुगना कमा कर जाएं, ये सब केवल तप से ही हो सकता है। इसलिए बच्चों को तप कराना चाहिए। तप माने संघर्ष।